ये वीडियो एक रेस्पॉन्स वीडियो है, इस्कॉन के श्री एच जी मोहन प्रभु से विवाद कर रही है वो लेडी, उस वीडियो का रेस्पॉन्स वीडियो है। एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में दे दो, कृष्ण आपको वापस लेके चले जाएंगे। तो आपका कहेंगे मतलब कि मैं कृष्ण के शरण में जाती तो अगले जन्म में मुझे इंसान क्या ही वो मिलेगा? इंसान का मिलेगा, और अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में भी जाएंगे। ये तो मरने के बाद किसने देखा है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ जी, मरने के बाद कौन जानता है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, इस बात की गारंटी कौन लेता है? लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। अंत काल में जिसका भी स्मरण करेंगे उस तरह का शरीर आपको मिलेगा, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो आपके भक्त जानते हैं कि मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, 100%। तो मैं उन भक्त से मिलना चाहती हूँ, एक बार जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कैसे उनको पता चल रहा है कि मरने के बाद जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह से कोई IIT में IIT के बारे में जानना चाहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, IIT में पहले एडमिशन तो ले लो, IIT में जो सिलेबस उसको तो फॉलो कर लो, वहाँ के प्रोसेस को तो फॉलो कर लो, रेगुलेशंस को फॉलो कर लो। काइंड ऑफ फोर्समेंट, क्या आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि जबरदस्ती? हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा बताइए, नहीं इच्छा बताइए। नमस्कार, ऐसा नहीं है अक्का, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप जीतना चाहते हो उस डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में। जीतने को माइंड जीत जाएगा लेकिन आप हार जाओगे। डिवोशन का मतलब है हम खुद को मिटा देना चाहते हैं। अगला जो कृष्णा है या रामा है या फिर आपका कोई दोस्त है या आपकी आप लवर है, आपका पति है, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप आपके ईगो को उस रिलेशनशिप के सामने, आपके ईगो का कोई मायने नहीं रखता है। भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा, अक्का महादेवी का अगर नाम नहीं सुना है तो पढ़ लीजिए। उनका पति जो था वो बहुत जलस करता था क्योंकि बीवी हमेशा शिवा 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 बोलती रहती, पति को ध्यान नहीं देती थी। तो उन्होंने भरी सभा में, उसके पति ने भरी सभा में पूछा, तुम्हारे शरीर पे जो जेवर है, ये कपड़े हैं, वो सब मेरे दिए हुए और तुम शिवा शिवा करती हो। तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, अपने कपड़े भी छोड़ दिया, अपने तन के ऊपर कपड़े भी छोड़ दिया और शिवा शिवा करते चले गई। वो है डिवोशन। डिवोशन इन्हें उसको कॉपी करना नहीं, खुद को मिटा देना का नाम है डिवोशन। अभी मेरे गुरु बताएंगे कि डिवोशन क्या है उनके वर्ड्स में, वो सुनिए। Devotion means that which is devoid of you. It's a different dimension of intelligence, where your intelligence has flowered to a point you understand. If you have strived hard enough in your life, you understand this body, this brain, this one can do only this much. But there is something here which is much larger than this one. If you understand this, you will not make more and more out of yourself. You will make less and less out of yourself. When you become nothing, you are naturally devout. Devotion means you allow the existence to flow through you. You allow the grace of the existence to flow through you. और वीडियो के अंत में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपने मेरे टी शर्ट पर ये ईशा विद्या तो देखा होगा। ये ईशा विद्या ईशा फाउंडेशन की तरफ से पायनियरिंग एजुकेशन इनिशिएटिव है, जो कि गरीब बच्चों का ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। इसको शुरू किया गया था 2006 में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईशा एजुकेशन ट्रस्ट टूवर्ड्स बिल्डिंग इंडिया वेयर हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू एवरीबडी, स्पेशली टू रूरल चिल्ड्रेन। तो इसके लिए मैं फंड्स रेज कर रहा हूँ, डोनेट करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आशा करता हूँ आप जितना हो सके आप मुझे हेल्प करेंगे। थैंक यू। आपके हेल्प से एक गरीब बच्चे को जिसके पिताजी किसी होटल में क्लीनर है या फिर ऐसा कोई छोटा छोटा काम कर रहा है, जो अपने बच्चों को स्कूल के भेजने का क्या कम से कम सोच भी नहीं सकते स्कूल में भेजने का, उतने गरीब है, एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको खाने के भी वांदे रहते, उतने गरीब घर से है वो लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू। श्री गुरुभ्यो नमः।